हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि बात करेंगे टीथ की, यानी कि टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। टीथ के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि टीथ की ओरिजिन क्या होती है। तो टीथ की ओरिजिन है वो इक्टोमेसोडर्मल होती है। जैसा कि जो टीथ का इनेमल पार्ट है उसकी ओरिजिन इक्टोडर्मल होती है, और जो टीथ का डेंटिन पार्ट होता है उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, और कम्प्लीटली टीथ को हम इक्टोमेसोडर्मल कह सकते हैं। यानी कि जो टीथ की ओरिजिन या उत्पत्ति है वो कम्प्लीटली इक्टोमेसोडर्मल कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन टीथ का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि टीथ को कम्प्लीटली तीन भागों में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है इसका, क्राउन रीजन है, फिर नेक रीजन है, और थर्ड स्टेप या थर्ड रीजन जो है रूट रीजन है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो क्राउन रीजन होता है, इस क्राउन रीजन में व्हाइट एक्सपोज पार्ट होता है, यानी कि टीथ का जो सफेद कलर का दिखने वाला जो भाग है व्हाइट कलर, उसको ही क्या कहते हैं, क्राउन रीजन बोलते हैं। और जो इनेमल का बना होता है, यानी कि इनेमल, अब बात करते हैं इनेमल के बाद में क्या है, डेंटिन पार्ट है, और डेंटिन में उसके बाद में क्या है, जो नेक रीजन है, नेक रीजन कहाँ पाया जाता है, इनसाइड गम, यानी जो नेक रीजन है वो इनसाइड गम होता है, यानी कि मसूड़ों के अंदर होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि डेंटाइन के बाद में क्या है, ओडेंटोब्लास्ट होता है, ओडेंटोब्लास्ट और एक गम, उसके बाद में क्या है, एक पल्प कैविटी है, फिर इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स भी पाई जाती है, नर्व्स। अब ये क्या है, सीमेंटम है। सीमेंटम क्या है, सीमेंटम एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो येलो कलर का होता है, और जो टीथ को क्या है, रूट रीजन में हार्डनेस या मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या है, टीथ में ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं और टीथ से ब्लड को लाने का काम करती हैं। दो टाइप की होती हैं, जो आर्टियोल होती हैं वो टीथ के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं, और जो वेन्यूल्स होती हैं वो टीथ से ब्लड को वापस लाने का काम करती हैं। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जो पल्प कैविटी है ये किसको कहते हैं, यानी कि कैविटी ऑफ टीथ इज कॉल्ड पल्प कैविटी, यानी कि टीथ की जो कैविटी होती है उसी को पल्प कैविटी कहा जाता है। पल्प कैविटी इज लाइन बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल, यानी कि जो पल्प कैविटी होती है उसके चारों ओर ओडेंटोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टीथ का पहला पार्ट जो है क्राउन रीजन में इनेमल। इनेमल जो होता है एमिलोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है, यानी कि एमिलोब्लास्ट सेल क्या है, इनेमल को सिक्रीट करने का काम करती है। और जो इनेमल है मोस्टली क्या है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और टीथ को क्या है, मजबूती देने का काम करता है। और इसको क्या है, इनेमल जो है इसको कहते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, वो इनेमल होता है। तो इस तरीके से हमने आज क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ के बारे में स्टडी की है। अब हम बात करते हैं इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या काम होता है। अब हम बात करेंगे कि थीकोडोंट टर्म जो होता है कि जो मैमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। उनको थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सॉकेट में पाए जाते हैं, यानी कि इनसाइड गम्स, यानी कि मसूड़ों के अंदर जबड़े में जो टीथ जो होते हैं सॉकेट्स के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं को थीकोडोंट टीथ कहा जाता है। अब हम पहले स्टेप में बात करेंगे हेटरोडोंट टर्म की। हेटरोडोंट का मतलब होता है यानी कि विभिन्न प्रकार के टीथ। तो फंक्शन के आधार पर, फंक्शन या कार्य के आधार पर टीथ कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पहले नंबर में देखते हैं कि टीथ को डिवाइड किया है चार प्रकार से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ। अब इंसाइजर टीथ की जब बात करते हैं तो जैसा कि इंसाइजर टीथ है, इंसाइजर टीथ को कृंतक दांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या जो है मोस्टली अपर एंड लोअर जा में चार और चार होती है, इनके ऊपरी जबड़े में भी चार होते हैं, निचले जबड़े में भी चार उनकी संख्या होती है, और कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है, ये क्या है, एट संख्या होती है, यानी कि आठ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंसाइजर टीथ जो होते हैं इनका काम क्या होता है। ये भोजन को मोस्टली कुतरने का काम करते हैं, और किसमें पाए जाते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे रैट, रैबिट एंड
स्क्वायरल स्क्वायरल में पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग में भी पाए जाते हैं और भोजन को कुतरने का काम करते हैं, लेकिन स्पेशली क्या हर्बीवोरस में पाए जाते हैं, यानी कि शाकाहारी जंतु में होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड में कैनाइन टीथ की बात करेंगे। कैनाइन जो कैनाइन टीथ होते हैं उन्हें रदनक दांत भी कहा जाता है और उनकी संख्या जो है अपर एंड लोअर जॉ में कितनी होती है, टू टू, यानी कि ऊपरी जबड़े में भी दो और निचले जबड़े में भी दो दांत होते हैं और कुल मिलाकर इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, चार होती है। और कैनाइन टीथ जो होते हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, कार्निवोरस में पाए जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स क्या है इनका, एक कार्निवोरस में कार्निवोरस एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी कि मांसाहारी जंतु जैसे कि लायन है, टाइगर है, डॉग है, कैट है, जैसे कि लायन, टाइगर, डॉग, कैट, तो इस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। और ये क्या होता है, इनका जो एंटीरियर एंड होता है अगला सिरा जो है वो नुकीला होता है, यानी कैनाइन टीथ जो होते हैं एंटीरियर पॉइंट पर नुकीले होते हैं। तो अगले हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हम देखते हैं कैनाइन टीथ या रदनक टीथ के बारे में हमने सीखा, अब हम बात करेंगे प्री मोलर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स प्री मोलर, अब प्री मोलर टीथ में क्या है, इनको अग्र चवर्णक टीथ भी कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है, ये फोर और फोर, यानी कि ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, चार और चार टीथ होते हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है टोटली ये आठ टीथ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्री मोलर जो होते हैं वो भोजन को, इनका काम क्या होता है, प्री मोलर का काम होता है भोजन को चबाना, भोजन को चबाने का काम और पीसने का भी काम ये करते हैं। इस तरीके से क्या है, इनकी संख्या टोटल आठ होती है और अपर एंड लोअर जॉ में इनकी संख्या जो है फोर एंड फोर होती है और ये इंसाइजर और प्रीमोलर की अपेक्षा थोड़े बड़े और चौड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं मोलर टीथ की, मोलर टीथ क्या, इनको चवर्णक टीथ भी कहा जाता है और ये जो है पॉलीकस्पिड होते हैं, यानी कि इनमें मैनी रूट्स पाई जाती हैं और इनकी जो संख्या है अपर एंड लोअर जॉ में सिक्स और सिक्स होती है। मोलर टीथ की संख्या अपर एंड लोअर जॉ में कितनी होती, छह और छह पाए जाते हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या जो होती है 12 होती है। तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन में फोर टाइप के टीथ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, जैसा कि अब देखते हैं कि टस्क के बारे में बात करते हैं। एक टर्म है टस्क टर्म क्वेश्चन आता है, टस्क किसको कहते हैं, तो एलिफेंट में क्या होता है, जो अपर इंसाइजर होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं टस्क में और इनको टस्क कहा जाता है, यानी कि इन एलिफेंट अपर इंसाइजर इज मॉडिफाइड इनटू टस्क। तो ये टस्क किसमें पाया जाता, ये एलिफेंट में पाए जाते हैं, एलिफेंट में टस्क होते हैं जो इंसाइजर टीथ होते हैं, इंसाइजर टीथ जो किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, टस्क में मॉडिफाई हो जाते हैं। उसी तरीके से क्या है, वॉलरस में भी, वॉलरस मछली है, फिश है, उसमें क्या जो कैनाइन टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ जो है टस्क में मॉडिफाई हो जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन वॉलरस कैनाइन इज मॉडिफाइड इनटू टस्क, यानी कि वॉलरस फिश जो है उसमें कैनाइन टीथ जो होते हैं वो टस्क में मॉडिफाई हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे विजडम टीथ की बात करते हैं। विजडम टीथ क्या है, इसको अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है, विजडम टीथ इनकी जो संख्या होती है, ये लास्ट मोलर टीथ जैसे कि लास्ट मोलर टीथ, इनकी संख्या कितनी होती है, दो और दो, यानी कि दो टीथ अपर जॉ में और दो टीथ लोअर जॉ में होते हैं, जो क्या होते हैं, विजडम टीथ होते हैं, उनकी कुल संख्या जो होती है फोर होती है, इन्हें क्या है अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है, विजडम टीथ। अब हम बात करते हैं थीकोडंट, तो जैसा बताया है कि ऐसे टीथ जो जाबोन्स में यानी कि सॉकेट्स में पाए जाते हैं उनको थीकोडंट टीथ कहा जाता है और जो स्पेशली क्या है ह्यूमंस या मैमल्स में पाए जाते हैं, यानी कि स्तनधारियों में पाए जाते हैं थीकोडंट टीथ। अब हम बात करते हैं मोनोफाइडेंट और डाइफाइडेंट की बात करेंगे। तो मोनोफाइडेंट क्या है, यानी कि ऐसे टीथ जिनका जैसे कि मोनोफाइडेंट और डाई
फायोडोंट, मतलब मोनोफायडेंट टीथ और डाइफायडेंट टीथ। मोनोफायडेंट का मतलब होता है ऐसे टीथ जो ह्यूमन बींग्स में पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही ग्रो करते हैं, यानी कि जमते हैं, उन्हीं को क्या है मोनोफायडेंट टीथ कहा जाता है। इनकी कुल संख्या जो होती है 12 होती है। तो जो मोनोफायडेंट टीथ होते हैं वो 12 होते हैं, और जो डाइफायडेंट टीथ का मतलब क्या है ऐसे टीथ जो पूरे जीवन काल में दो बार जमते हैं, उनकी संख्या जो होती है 20 होती है। और इन डाइफायडेंट टीथ को हम क्या कह सकते हैं, इनको मिल्क टीथ या लैक्टियल सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से मोनोफायडेंट टीथ हो गया, डाइफायडेंट टीथ हो गया। अब हम बात करेंगे डेंटल फार्मूला की, बात करते हैं। डेंटल फार्मूला क्या है कि किसी भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या चाइल्ड में दांतों की संख्या को पता करने का फार्मूला। तो यानी कि जो टीथ होते हैं इनसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर टीथ ऑफ द हाफ अपर जॉ, एंड इनसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर टीथ ऑफ द हाफ लोअर जॉ इनटू टू। इस तरीके से क्या है हम टीथ के बारे में प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कि टीथों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मान लो कि ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में जो हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ है उसमें टीथों की संख्या को देखते हैं और उनको क्या है दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तब टीथ की टोटल संख्या प्राप्त होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग में क्या है, ह्यूमंस में क्या है कि ये जो है फॉर्मूला इसको कैरी करेंगे तब उसका 21:23 इंटू टू। जैसा कि ऊपर कितने टीथ हैं स्टूडेंट्स, ऊपर है 2, 3, 2, 5 और 5, 3, 8 8 हो गए, और नीचे भी 8 है। अब हम क्या करेंगे 8 इंटू 2 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 2 16। अब 16 और 16 टीथ ऊपरी जबड़े में, 16 टीथ निचले जबड़े में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर दांतों की संख्या कितनी है 32 टीथ है। तो इस तरीके से आप टीथ की संख्या को पता कर सकते हैं। अब हम चाइल्ड की बात करते हैं। जैसे किसी चाइल्ड में दांतों की संख्या निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2102। तो अब इसको कैसे करेंगे 2102, तो इसमें क्या दांतों की संख्या ऊपर कितनी बन रही है 2 और 2 और 1 5, यानी कि 5 टीथ और 5 टीथ। अब 5 को इंटू 2 करेंगे और 5 को इंटू 2 करेंगे तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10, तो कुल मिलाकर यहाँ पर दांतों की संख्या कितनी हो रही है 20 हो रही है। तो चाइल्ड में दांतों की संख्या 20 है यानी कि, और ह्यूमंस में कितनी है 32 है। तो इस सूत्र या फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं टीथ की संख्या को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने टीथ पर स्टडी की है। इसमें क्या है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं जिनके बारे में आप स्टडी करें। जैसे कि पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो है पदार्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं ये जो इनेमल है, इनेमल ही सबसे कठोर पदार्थ है जो बॉडी में पाया जाता है और टीथ में होता है। अब हम बात करते हैं टीथ जो होता है मोस्टली किसके बने होते हैं, तो टीथ जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, क्योंकि इसमें जो इनेमल है वो इनेमल मोस्टली किसका बना होता है, तो इनेमल मोस्टली जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ टीथ, तो जैसा कि हमने बताया है कि ओरिजिन ऑफ टीथ, तो टीथ की जो ओरिजिन है वो इक्टोमीजोडर्मल है। टीथ की ओरिजिन इक्टोमीजोडर्मल है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि डायस्टेमा क्या है। अब हम बात करते हैं डायस्टेमा, जैसा कि हमने बताया है कि बात करेंगे डायस्टेमा की। डायस्टेमा भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डायस्टेमा मीन्स क्या होता है देखते हैं। डायस्टेमा, डायस्टेमा मीन्स होता है स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इंसाइजर एंड प्री मोलर इज कॉल्ड डायस्टेमा, यानी कि इंसाइजर और प्री मोलर टीथ के बीच में जो स्पेस या गैप होता है उसको ही डायस्टेमा कहा जाता है। जैसे मान लो ये इंसाइजर टीथ है, ये प्री मोलर टीथ है, इसके बीच में क्या है स्पेस पाई जा रही है, तो इसी को डायस्टेमा कहा जाता है। ये किसमें पाया जाता है, ये डायस्टेमा जो है मोस्टली रैबिट में पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका रैबिट, तो रैबिट में एक करेक्टर पाया जाता है डायस्टेमा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोनोफायडेंट क्या होता है,
तो आप बता सकते हैं ऐसे टीथ जो एक बार जमते हैं लाइफ टाइम में उनको मॉनर हार्डन टीथ कहा जाता है, जो 12 होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि विजडम टीथ किसको कहते हैं, क्योंकि विजडम टीथ जो होते हैं मनुष्य में क्या होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं, यानी कि अवशेष अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो विजडम टीथ जो होते हैं लास्ट मॉलर टीथ होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि चिक टीथ या पूछा जाता है कि मिल्क टीथ या लैक्टियल सेट किनको कहते हैं, तो यानी कि जो चाइल्ड में 20 सेट ऑफ टीथ होते हैं उन्हीं को मिल्क सेट ऑफ टीथ या लैक्टियल सेट कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हम सभी ने क्या है इसके बारे में, टीथ के बारे में स्टडी की है। तो आप इस डायग्राम्स को अपनी नोटबुक पर तैयार करें, इसे स्टडी करें, और अगले वीडियो में हम कुछ अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और इसके बारे में कमेंट्स करें। आज के वीडियो में बस स्टूडेंट्स, आज इतना है। ओके स्टूडेंट्स।